जय गुरु जी संगत जी, आज सोमवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है सोमवार का। गुरु जी आज सोमवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। संगत जी आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर में रोज रोज कलेश होते हैं संगत जी, या फिर घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये सोमवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। अगर आपने एक बारी सोमवार के चमत्कारी सत्संग को सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ हुआ कैसे। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी इस सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी, आपके घर परिवार के ऊपर गुरु जी की कृपा होनी शुरू हो जाएगी। और आपके घर में तो आज संगत जी खूब सारा पैसा भी आने वाला है, तो आप आज मेरी बात को मानो, आज के सोमवार के बड़े ही चमत्कारी सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना। क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुन के तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है, आपके घर के ऊपर कृपा होने वाली है। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आज आपको संगत जी कोई ब्लेसिंग नहीं मिलने वाली। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसी तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर वही लोग बाद में बोलते हैं हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं किया, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं करी। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता संगत जी कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ, मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा आए, मैं तो ये कहता हूँ संगत जी। और अगर आपके घर में बाय चांस पैसों की आजकल बड़ी तंगी चल रही है, पैसों की बड़ी परेशानी चल रही है, तो मैं तो ये भी कहता हूँ संगत जी कि गुरु जी आज आपके घर में पैसों की बारिश ही कर दें, ताकि आपकी सारी मनी प्रॉब्लम, सारी पैसे की दिक्कत ही खत्म हो जाए। पर ये सब कुछ तभी हो पाएगा संगत जी जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे, गुरु जी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, गुरु जी तभी आपका कल्याण करेंगे। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी, शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी, और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी ये बात तो गुरु जी ने खुद बोली हुई है, आपने भी सुना होगा, जो सत्संग को पूरा सुनेगा, जो सत्संग को ध्यान से सुनेगा, मैं तो उसी को ब्लेस करूंगा, मैं उसी का कल्याण करूंगा। अब ये आपके ऊपर है संगत जी कि आपने गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुन के गुरु जी की पूरी पूरी ब्लेसिंग, गुरु जी की आज की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग लेनी है या फिर नहीं लेनी है। देखो संगत जी, मैं तो आपको पर्सनली यही कहूंगा कि आप अगर ये आज का चमत्कारी सत्संग सिर्फ 10 मिनट का है,
अगर आप अपनी पूरे 24 घंटों में से 10 मिनट निकाल लोगे संगत जी तो क्या चला जाएगा। अगर हम पूरे 24 घंटों में से पूरे दिन में से अगर हम सिर्फ 10 मिनट भी गुरु जी के सत्संग के लिए नहीं निकाल सकते तो फिर गुरु जी की हम कौन सी संगत है, आप मुझे बताओ संगत जी। देखो सत्संग सुनने से संगत जी बड़े बड़े काम बन जाते हैं। जो सालों के रुके हुए काम होते हैं ना वो सिर्फ सत्संग को सुन के ही वो संगत जी पूरे हो जाते हैं। आप आज मेरी बात को मानो, देखना आपके पास इतना पैसा आ जाएगा संगत जी कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा लाइफ में कि आप कभी इतने अमीर भी बनोगे। सिर्फ आप ये सत्संग को सुनो, फिर आप खुद देख लेना कि आपके घर का माहौल कैसे चेंज होता है। सत्संग सुनने से पहले आपके घर का माहौल क्या था और सत्संग सुनने के बाद आपके घर का माहौल क्या है, ये आप खुद ही फील करोगे संगत जी। ये आपको खुद पता चल जाएगा और देखना आज गुरुजी आपके घर में पैसों की बारिश भी करेंगे और आपके घर में बरकत ही बरकत हो जाएगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी आज हम सब दिल्ली की एक संगत शिवानी अरोड़ा आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं शिवानी अरोड़ा करोल बाग दिल्ली के अंदर रहती हूँ। मेरी लाइफ में गुरुजी 2012 के अंदर संगत जी आए थे और आप देखो 2012 से ही मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हुई हूँ, पर संगत जी जाना आना बिल्कुल लिमिटेड था, कोई था ही नहीं जाना ना, बस कहने को मैं जुड़ी हुई थी। संगत जी 2012 में एक मेरी फ्रेंड, मतलब वो मानती थी गुरुजी को और मैं मानती नहीं थी, मतलब मैं संगत जी ऑफिस की तरफ से, मतलब वो मुझे ले गई ऑफिस से ही, चल यार मेरे अपने गुरुजी के पास जाना है, तो वो उसके साथ चली गई संगत जी, मतलब वहां जाके हाथ जोड़ लिए, प्रसाद खा लिया, बस घर आ गए। तो मैं इसको भी संगत जी मैं जुड़ना ही कहती हूँ। आप देखो ये लाइफ में संगत जी कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है संगत जी। ये जिंदगी के अंदर सब लोग मतलब ही हैं बड़े, सब लोगों को आपसे कोई फायदा होगा तब वो आपके पास आ जाएंगे। और कहने को तो सब है, भाई बहन रिश्तेदार दोस्त यार, वो आ जाएगा, वो उसको फोन कर देंगे, उसने कहा हुआ है कि कभी कोई जरूरत पड़े तो मुझे फोन कर देना, मैं रात को भी आ जाऊंगा, दिन में भी आ जाऊंगा। संगत जी ये सब लोग बेकार के हैं, कोई किसी का नहीं है आजकल, मैं आपको साफ बात बता रही हूँ संगत जी। कोई मतलब ऐसी बात नहीं है कि कोई झूठ वाली बात ही नहीं है, जो मैंने खुद फील करा अपने घर के अंदर, मैंने जो फील करा है संगत जी मैं वही आपको बता रही हूँ। और देखो आप इसमें मेरी भी गलती है, कोई मैं ये नहीं कह रही कि मैं सही हूँ और बाकी सारे संगत जी गलत है, नहीं मैं भी गलत हूँ संगत जी। मैं 2012 में गुरु जी के पास गई थी, 2022 तक मैं गुरु जी को भूल चुकी थी, बिल्कुल भूल चुकी थी कौन है गुरुजी। सिर्फ एक बार हुआ है तो बस संगत जी, इसलिए मैंने आपको बताया कि मैं कहने को 2012 से जुड़ी हुई हूँ पर संगत जी 10-11 सालों तक कोई आना जाना नहीं, कोई सत्संग का नहीं पता क्या होता है क्या नहीं होता, गुरुजी का मंदिर कहाँ है। संगत जी मैं तो ये भी भूल चुकी थी कि गुरुजी का मंदिर है कहाँ पे, मेरे को तो ये भी ठीक से संगत जी नहीं पता था। वो तो मुझे फ्रेंड ले गई मेरी, तो संगत जी वो मतलब वो जाती रही लेके, तो मैं चली गई संगत जी। अब मुझे क्या पता कहाँ मंदिर है, कहाँ से मुड़ना है, कहाँ से अंदर जाना है। वो ले गई तो मैं चली गई, वो ना लेके जाती तो मैं ना जाती संगत जी। ठीक है अब आप सुनो गुरु जी का मेरी लाइफ में दोबारा से आना कैसा, मतलब कैसे शुरू हुआ, मैं कैसे फिर दोबारा से गुरु जी महाराज के दर पे गई, गुरु जी के बड़े मंदिर में गई। संगत जी मैं आपको पहले बता दूं कि मैं करोल बाग में रहती हूँ, शिवानी अरोड़ा मेरा नाम है। ठीक है मेरे घर पे संगत जी मेरे पापा मम्मी और मैं, हम तीन जने। ये 2022 की बात है संगत जी, और मतलब संगत जी देखो आप जॉब वगैरह सब मैं ही करती हूँ, मेरे पापा की ना सालों पहले संगत जी, मतलब आप लगा लो कम से कम 12-13 साल पहले उनको पैरालिसिस का अटैक आया था, तब से वो बेड पे ही है, वो बेड से हिल डुल भी नहीं सकते संगत जी। वो मतलब
उठना बैठना उनके लिए इतना मुश्किल है, सारा घर का सारा कुछ देखना संभालना, संगत जी मेरी जिम्मेदारी है। मैं आपको पहले इसीलिए बता रही हूं ताकि आपको सब कुछ समझ आ जाए, ठीक है। संगत जी जॉब कर रही थी गुड़गांव में, संगत जी मेरी कंपनी थी, रोज जाना मेट्रो से आना, मतलब कि तीन चार फ्रेंड बन गए थे संगत जी। एक उसमें से जो मुझे बड़े मंदिर ले गई थी 2012 में, और मैं एक ही कंपनी में काम कर रही थी, जबकि मेरे सारे दोस्त जो थे, जो मेरी जो सहेलियां थी, फ्रेंड्स थी, वो सारी संगत जी मतलब किसी और कंपनी में सब मतलब कि चले गए थे छोड़ के, और मतलब कि सिर्फ मैं ही थी जो इस कंपनी में काम कर रही थी। संगत जी मैं नाम नहीं लूंगी, ऐसे मैं किसी का नाम लेने के लिए, किसी के बारे में बुराइयां करने के लिए, या किसी का उल्टा सीधा बोलने के लिए संगत जी मैं यहाँ पे नहीं आई। मैं तो सिर्फ गुरु जी का सत्संग शेयर करने के लिए आई हूँ, गुरु जी का गुणगान करने के लिए आई हूँ, और मुझे पता है मैं नहीं कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी संगत जी, तो आप बस देखते जाओ हुआ क्या मेरे साथ। संगत जी जॉब कर रही थी, अब सैलरी देखो, सैलरी संगत जी मुझे बड़ी कम मिलती थी, 25,000 रुपए महीने के मेरे को नौकरी संगत जी। अब जाना पड़ता था, जरूरत भी थी अपनी, वो थी संगत जी मेरी जरूरत थी, उनकी थोड़ी ना जरूरत थी मेरे को रखना, उनके पास तो और लोग मिल जाएंगे, उनको और सस्ते मिल जाएंगे, है ना। मेरी जरूरत थी संगत जी, मैंने अपना घर चलाना, सारा कुछ देखना, पापा की दवाइयां, मम्मी की दवाइयां, और संगत जी घर में 100 तरह के खर्चे होते हैं, सारा कुछ मुझे खुद देखना होता था। अब इतनी परेशान हो गई कि देखो संगत जी 25,000 रुपए मिलते थे, अब उसमें से भी जाना आना मेट्रो से संगत जी, उसमें मेरे 3-4 हजार तो मेरे उसमें ही संगत जी लग जाते थे, बचते कितने, सिर्फ 20,000-21,000 रुपए। अब उसमें से घर भी चलाना, ये अच्छी बात थी कि हमारा अपना घर था, घर चलाना, दवाइयां लानी, कुछ अपने खर्चे, संगत जी 100 तरह की प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है, डॉक्टर को दिखाना, और साथ ही साथ कुछ पैसे सेव भी करने बुरे समय के लिए। तो आप देखो मैं बड़ी परेशान थी अंदर ही अंदर, पर बोलूं किसको। और मैंने संगत जी ये सोचा हुआ था कि मैं शादी तो नहीं करने वाली, क्योंकि अगर मैंने शादी कर ली तो मेरे पापा मम्मी तो रुल ही जाएंगे बिल्कुल, क्योंकि उनका कोई है भी नहीं, मैं अकेली उनकी बेटी हूँ संगत जी, ना मेरा कोई भाई ना मेरी कोई बहन, कहने को सब है, चाचा के लड़के भी हैं, बुआ के बच्चे भी हैं, मासी के बच्चे हैं, मामा के बच्चे हैं, सब है, पर संगत जी सब मतलब ही है, कहने को है सब, पर जब टाइम आता है ना तो कोई साथ नहीं देता संगत जी, कोई साथ देने वाला नहीं था, कोई हेल्प करने वाला नहीं था, अकेली। जब पापा मेरे बीमार हुए तब तो सब लोग आ गए, अरे क्या हो गया, क्या हो गया, हॉस्पिटल ले जाओ, ये कर ले बेटा शिवानी, ऐसा कर ले, डॉक्टर से बात कर शिवानी, ऐसा कर, दवाइयां ले, ये ले। जैसे पापा घर पे आए, आज तक कोई देखने भी नहीं आया कि उनकी तबीयत आगे से ठीक हुई है, पहले से ठीक है, नहीं ठीक, कोई हालचाल भी नहीं पूछने आया संगत जी, क्योंकि हम लोग गरीब है ना, गरीबों का कोई नहीं होता संगत जी, गरीब लोगों का कोई नहीं होता, सिर्फ भगवान होते हैं, गुरु जी होते हैं, गुरु जी की संगत होती है, बाकी और कोई नहीं होता गरीब लोगों का। अब मैं इतनी परेशान दुखी, कुछ समझ ही ना आए, मैंने अपने दोस्तों से बात करी, दोस्त मेरे कहते अरे शिवानी यार तू वहां की नौकरी छोड़, हमारी वाली कंपनी ज्वाइन कर ले, यहाँ तुझे 30 मिल जाएंगे, 35 मिल जाएंगे। संगत जी दोस्तों ने तो कहा, देखो वो तो अपनी जगह ठीक थे, वो कहते थे वो ज्यादा मिल जाएंगे तू यहाँ आ जा, पर संगत जी गुड़गांव से छोड़कर नोएडा जाना और दूर, नोएडा से भी आगे, संगत जी ऐसे मेरे घर वाले भी मतलब मम्मी बोलती थी कि बेटा देख इतनी दूर तो हम तुझे भेजने वाले भी नहीं, और मतलब घंटे भी ज्यादा, सुबह 6 बजे जाना, रात को 10 बजे आना। संगत जी बताओ आप, सिर्फ 25,000 के लिए, 30,000 के लिए। और देखो एक दिन पता है क्या हुआ, मैं आपको बताऊंगी, सारा खुल के बताऊंगी संगत जी, कोई छुपने छुपाने वाली बात ही नहीं है, जो है आपके सामने मैं शेयर करूंगी। हुआ पता है क्या संगत जी, एक बारी मैं अपने ऑफिस में गई थी, अब मैंने ना देखो मेरे पापा की तबीयत थी उस दिन खराब, मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली हुई थी पापा के लिए कि मैंने पापा को दिखाना है डॉक्टर को, तो मतलब संगत जी डॉक्टर बैठे थे 4 बजे,
अब सुबह मैं ऑफिस के लिए निकल गई 6 बजे संगत जी, मतलब मेट्रो से। तो आप देखो, मैंने ये सोचा चलो मैं ऑफिस का मतलब दिन भी लग जाएगा पूरा मेरा, और छुट्टी भी नहीं होगी, काम भी हो जाएगा, और पापा को आके मैं घर आके दिखा भी लूंगी डॉक्टर को। संगत जी मैं अपनी तरफ से सब कुछ ठीक सोच रही थी कि बॉस को कह दूंगी पापा को डॉक्टर को दिखाना है, तो आप मुझे कुछ घंटे की छुट्टी दे दो, मतलब कि 3 बजे से लेकर के 10 बजे तक की छुट्टी दे दो, बाकी मैं नेक्स्ट डे और थोड़ा काम कर लूंगी, ज्यादा काम कर लूंगी, जिससे क्या होगा नुकसान भी नहीं होगा कंपनी का और मेरा भी मतलब काम बन जाएगा। संगत जी मैं जैसे ही गई, मैंने अपने बॉस से बात करी। बॉस पहले पता क्या कहते हैं, हाँ हाँ कोई बात नहीं शिवानी, कोई बात नहीं, जैसा कहोगे आपका वैसा कर लेंगे, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। पर जैसे ही संगत जी 2:30 बजे 3 बजे मैंने अपना काम सारा खत्म कर लिया, पूरे दिन का काम मैंने संगत जी कुछ घंटों में कर लिया, पूरे दिन में जो मैंने करना था, ना खाना खाया, ना चाय पी, ना कॉफी पी, सिर्फ काम करती रही, काम करती रही। संगत जी जैसे 2:30 बजे 3 बजे तो मैंने अपनी पैकिंग कर ली सारी, लैपटॉप वगैरह सब बैग में रख लिया, चार्जर फोन वगैरह सब कुछ रख लिया मैंने अपने पर्स में। मैं बॉस के पास वैसे ही गई कि बॉस मैं जा रही हूँ, मतलब कि टाइम हो गया, 1 घंटा मुझे लग जाएगा, तब तक डॉक्टर भी आ जाएंगे और पापा को दिखाना है मुझे आज। पापा के ना हाथ पैरों में बिल्कुल मूवमेंट ही बंद हो गई है, बिल्कुल ही हिलते डुलते भी नहीं थे हाथ पैर। संगत जी इतनी बात ही मैंने अपने बॉस को बोली, पता नहीं वो आगे थे, मुझे पता क्या कहते, अरे हम क्या करें तेरे पापा की तबीयत खराब है, तो यहाँ काम करना तो कर वरना यहाँ से निकल, तेरे को हम सैलरी भी नहीं देंगे अब। संगत जी बताओ आप, ऐसी भाषा में मेरे बॉस ने मुझसे बात करी है। जब मैं उनके सामने देखो, मैं अब भी उनके लिए इज्जत से ही संगत जी बोल रही हूँ, मैंने कोई उनकी बुराई नहीं करी आपके सामने, इज्जत से बॉस, और वो मुझे तू करके बात कर रहे थे कि तू यहां से निकल काम कर पूरा, 10 बजे छुट्टी मिलेगी, ऐसी छुट्टी नहीं मिलने वाली। संगत जी मैं आपको एक बात तो बता रही हूं, देखो आपको बुरा तो लगेगा क्योंकि आप में से कई घरों के बच्चे जॉब करने जाते हैं, गुड़गांव में जाते हैं, नोएडा में जाते हैं, और भी कंपनियों में जॉब करते हैं, बच्चे सबसे जॉब करते हैं संगत जी, है ना, हर कोई बिजनेस थोड़ी करता है, जॉब भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं, हर किसी की अपनी अपनी लाइन है। तो मैं आपको ये बता रही हूँ संगत जी कि जो बच्चे जॉब करते हैं ना, आपको सैलरी तो उनकी अच्छी लगती है, 30,000 ले रहे हैं, 40,000 ले रहे हैं, पर संगत जी पूरा खून चूस लेते हैं कंपनी वाले, पूरा खून संगत जी वो चूस लेते हैं, और कहने का मतलब ये है कि पूरा संगत जी वो काम लेते हैं, थका देते हैं बंदे को, थोड़े से पैसों के लिए थका देते हैं। और मेरे साथ भी ऐसा ही था, मैं आपसे क्यों छुपाऊं संगत जी, जो है मैं आपको वही बता रही हूँ। अब कोई आपको संगत जी ऐसे आगे से इतने बुरे ढंग से बोले तो क्या आप चुप कर जाओगे? संगत जी मेरे से भी चुप नहीं रहा गया। अब मेरे लिए वो 25,000 भी जरूरी थे, नौकरी भी जरूरी थी, और मेरे पापा की तबीयत भी जरूरी थी संगत जी। तो आप देखो मेरे से चुप नहीं रहा गया। मैंने कहा सर देखो, आप अगर ऐसे बदतमीजी से मेरे से बोलोगे ना, तो आज ही मैं यहाँ से रिजाइन कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने पापा की हॉस्पिटल में दिखाना है, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, मैंने उनका इलाज करवाना है। संगत जी उन्होंने कहा चल तू निकल यहाँ से, मेरे बॉस ने मुझे कहा। संगत जी 2 महीने की मेरी सैलरी आज भी वहाँ पे फंसी हुई है, कोई मतलब ना किसी ने दिए अब तक पैसे मुझे। संगत जी धीरे धीरे करके टाइम पास होता गया, सब चीज़ें होती गई। अब देखो गुरु जी की, महाराज की कृपा मेरे ऊपर कैसे हुई मैं आपको बताती हूँ। संगत जी कोई हमारा मतलब भूल चुकी थी गुरु जी के पास, हम लोग गए थे या मैं गई थी गुरु जी के पास, बिल्कुल भूल चुकी थी। अचानक से मेरी वही फ्रेंड का मेरे को कॉल आता है, मेरे से पूछती है वो मेरी फ्रेंड कि क्या चल रहा है आजकल, कोई मतलब जॉब वगैरह करी है तूने कुछ कहीं पे, मतलब कि दिया तूने अपना रिज्यूम वगैरह? मैंने कहा नहीं यार, कहीं मतलब बात ही नहीं बन पा रही, बस ऐसे ही है, कभी किसी से पैसे लेके तो कभी किसी से पैसे लेके अपना घर का चला रही हूँ बस, और क्या करूँ क्या करूँ, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ रहे हैं, हाथ संगत जी फैलाने पड़ रहे थे लोगों के सामने कि मेरे को पैसे दे दो, मेरे को अपने पापा की तबीयत मतलब दवाइयाँ लानी है, डॉक्टर को दिखाना है, ये कर लो वो कर लो। संगत जी ऐसा टाइम आ गया था। अब मतलब
वो मुझे कहती है तू गुरुजी के पास तो दोबारा गई फिर से? अचानक से पूछती है 11 साल के बाद। मैंने कहा गुरुजी कौन से? वो कहते हम गए थे ना वहाँ 2012 के अंदर। तो मैंने कहा हाँ हम गए तो थे, मुझे याद नहीं आ रहा मतलब ठीक से। तो वो कहते कोई बात नहीं, उसने मुझे संगत जी गुरु जी का स्वरूप भेजा व्हाट्सएप के ऊपर, मैंने देख लिया। वो कहते तो मुझे याद आ गुरु जी का याद आ गया। संगत जी वो मुझे कहती है मेरे घर पे सत्संग है, तूने आ जाना है, तो यहाँ पे आके गुरु जी से कह गुरु जी तेरी नौकरी लगवा देंगे अच्छी बढ़िया से। संगत जी मैंने उसकी बात को माना। अब देखो कोई और ऑप्शन था भी तो नहीं ना, या तो मेरी कहीं नौकरी चल रही है, कहीं मेरी बात चल रही है, या कहीं पैसों का अरेंजमेंट हुआ है, कुछ था ही नहीं। बल्कि आप सच पूछो तो मैं उससे पैसे मांगने भी गई थी। संगत जी उस दिन मैंने उससे 4,000 रुपये मांगे थे गुरु जी का सत्संग खत्म होने के बाद, क्योंकि मेरे पापा की दवाइयाँ खत्म थी और मेरे पास 100 रुपये भी नहीं थे कि मैं अपने पापा की दवाइयाँ ले पाती। ऐसी हालत थी मेरे घर की। क्या बताऊं आपको, सत्संग में गई, माथा टेका, अरदास लगाई गुरुजी से। अगले ही दिन संगत जी मेरी एक ऐसी कंपनी में जॉब लग जाती है, वहां से मुझे संगत जी अप्रूवल मिल जाता है। मतलब आप लगा लो गवर्नमेंट की कंपनी है वो एक तरीके से गवर्नमेंट की संगत जी कंपनी है, गवर्नमेंट की उसमें हिस्सेदारी भी है। वहां पे आज मैं नौकरी कर रही हूँ, 50,000 रुपये महीने की मेरी सैलरी है। संगत जी अब मैंने कोई शादी कोई कुछ नहीं करना, सिर्फ मैंने नौकरी करनी, अपने पापा को ठीक करना है बस। सो प्लीज आप इस सत्संग को लाइक करो, शेयर करो, नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी, शेयर करने वाला भी। बिना लाइक शेयर किए मत जाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का, हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना, जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सके। जय गुरुजी संगत जी।